नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः कुंडली दर्शन के इस नए कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रहों के युवराज या ग्रहों के राजकुमार बुध देव ने बदला अपना चाल, जाने क्या होगा आपके राशि का। जी हां, बुध आपके कुंडली में कहीं भी बैठे हो, लेकिन बुध इस बात को आप समझ लें कि बुध बुद्धि के दाता है, वाणी के कारक है। और ऐसे में बुध अगले 68 दिनों तक, क्योंकि आज 25 अप्रैल को बुध मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और इस अवधि काल में यदि देखें तो 10 मई को पुनः वो वक्री हो जाएंगे और फिर 3 जून को फिर से वो मार्गी हो जाएंगे, और 10 जुलाई तक बुध इसी राशि में लगभग गोचर करने वाले हैं। ऐसे में कुछ समय के लिए वो अस्त भी रहेंगे, लगभग 26 दिन वक्री रहेंगे, 27 दिन अस्त रहेंगे, शेष दिन वो मार्गी रहेंगे। तो बुध के इस गोचर परिवर्तन से अगले 68 दिनों तक कुछ राशि वाले को बुध बना देगा मालामाल, तो कुछ राशि वालों को धन की समस्या को लेकर कहीं बना ना दे कंगाल। बुध का यह राशि परिवर्तन इस कार्यक्रम में जानेंगे कि किसको बनाएगा धनवान और किस किस राशि वालों को कर सकता है परेशान। जी हां, इस कार्यक्रम में मेष राशि से लेकर मीन राशि तक एक एक करके सभी 12 राशियों पर बुध के इस गोचर का क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है, इस कार्यक्रम में इन्हीं बातों को जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बात आप लोग स्पष्ट समझ लें कि बुध बहुत महत्वपूर्ण ग्रह, मैंने पहले ही बताया कि बुध बुद्धि का दाता है, वाणी का कारक है। आप मीडिया में काम करना चाहते हैं, आप एक कुशल वक्ता बनना चाहते हैं, आप कोई भी वाणी से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, बुध का स्ट्रांग होना जरूरी। अकाउंट्स के फील्ड में काम करना चाहते हैं, बुध का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। रिसर्च के फील्ड में काम करना चाहते हैं, मार्केटिंग के फील्ड में काम करना चाहते हैं, बुध का एक अपना रोल होता है। राजनीति के क्षेत्र में भी बुध का बहुत बड़ा रोल होता है, कूटनीति दाव पेच, इन सभी में बुध का अपना एक प्रभुत्व स्थान है। और किसी भी कार्य के लिए बुद्धि का आवश्यकता तो अनिवार्य होता है। तो ऐसे में चलिए अब जानते हैं कि बुध का इस गोचर से क्या कुछ प्रभाव होगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों का। मेष राशि वाले यदि देखें तो बुध आपकी राशि से, क्योंकि आप काल पुरुष की प्रथम राशि है, तो जाहिर सी बात है कि आपके राशि से तीसरे एवं छठे भाव के स्वामी बुध रहने वाले हैं। लेकिन वहीं द्वितीय भाव धन भाव में वृषभ राशि में मित्र के राशि में बुध का ये गोचर अत्यंत ही प्रभावशाली, बेहतरीन सफलता आपको दिलाने वाला है। विशेष करके यदि आर्थिक पक्ष की बात करें तो काफी मजबूत होगा। इस अवधि के दौरान यदि आप किसी को धन उधार दिए हैं तो वापस मिलने के भी योग दिख सकते हैं। हो सकता है आपने किसी को उधार दिया हो, धन आपको मिल जाएगा, आकस्मिक धन का लाभ भी आपको मिल सकता है। यहां तक कि यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापारी वर्गों के लिए बुध का यह गोचर काफी सफल रहने वाला है। हो सकता है व्यापार के सिलसिले में आप कोई छोटी मोटी यात्रा भी कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस एग्रीमेंट पे आप करार कर सकते हैं, और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने मधुर वाणी के कौशल कला के आधार पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। खास करके यदि आप सरकारी वकील हैं, मार्केटिंग के
सेक्टर में आप काम करते हैं या फिर आप शिक्षा के क्षेत्र में या मीडिया कर्मी हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। विद्यार्थी वर्गों के लिए अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो छात्रों के लिए यह समय बहुत उपयुक्त रहेगा एवं आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाएंगे, बशर्ते आपको पढ़ाई में और अधिक ध्यान लगाने की आवश्यकता है। एक बात और, रिसर्च के क्षेत्र में यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यह समय बहुत उपयुक्त रहने वाला है। सफलता आपके कदम चूमेगी। भाई बहनों एवं मित्रों का भी साथ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। शत्रु आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र नहीं कर पाएगा और यदि षड्यंत्र करता है तो आप उसे आसानी से विफल बना सकते हैं। संतान संबंधी चिंता भी दूर हो सकती है और नव दंपति के लिए या निसंतान दंपति के लिए संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं। बुध का ये गोचर मेष राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब थोड़ा सा एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि बुध आपके जन्म पत्रिका में किस भाव में बैठा है। बुध कमजोर है या बलवान है, शुभ है या अशुभ है, दशा अभी किसकी चल रही है, उसका भी असर होता है। तो इसके लिए आपको करवाना होता है कुंडली दर्शन, जिसका नंबर आप कंटिन्यू स्क्रॉलिंग में देख रहे हैं। अब आइए बात करते हैं काल पुरुष की दूसरी राशि, जिस राशि में बुध गोचर करने वाले हैं या कर रहे हैं। आज से 25 अप्रैल से अगले 68 दिनों तक वृषभ राशि बुध के मित्र की राशि, और वृषभ राशि वाले आपके राशि से दूसरे एवं पंचम भाव के बुध स्वामी बनते हैं एवं आपके राशि में ही बुध का ये गोचर क्या कहने आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। धन लाभ के अच्छे अवसर बनते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही इनकम के योग बहुत अच्छे प्राप्त हो रहे हैं। आपके इनकम के साधनों में भी वृद्धि होगी। कार्य व्यापार में भी सफलता आपको मिलने के अच्छे अवसर दिख रहे हैं। यदि आप कोई सरकारी कार्य अपना करना चाहते हैं तो समय आपके अनुकूल है, या कोई सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, या सरकार से संबंधित कोई जैसे टेंडर वगैरह लेना चाहते हैं, या कोई सरकारी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीएम आवास योजना, या कोई सरकारी लोन लेना चाहते हैं, तो आवेदन यदि करना चाह रहे हैं तो आवेदन आप कर दें। सफलता मिलने के आपको संकेत दिख रहे हैं। व्यापारी वर्गों को कोई नया बिजनेस डील होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई नए अनुबंध के करार पर हस्ताक्षर कर दें, जो कि आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। प्रेम संबंधों के मामलों में यदि बात करें तो आप दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में नजदीकियां बढ़ सकती है। हो सकता है आपके प्रेम संबंधों को नया नाम मिल जाए। यदि घर वालों से आप चर्चा करते हैं तो आपसी प्रेम संबंध पति पत्नी के संबंध में बदलते देर नहीं लगेगा, घर वालों का परमिशन आपको मिल सकता है। वहीं विद्यार्थी वर्गों के लिए बात करें, वृषभ राशि वालों के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। यदि आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से परिणाम आपके पक्ष में रहने वाला है। फिर वही बात, बुध आपके कुंडली में किस भाव में बैठा है, शुभ अशुभ या किन किन ग्रहों के साथ बैठा है, दशा किसकी चल रही है, इन सभी बातों के लिए का भी प्रभाव होता है। तो इसके लिए कुंडली दर्शन अपनी कुंडली का करवा सकते हैं, नंबर से है आपके स्क्रीन पे। अब आइए बात करते हैं अगली राशि, मिथुन राशि वाले काल पुरुष की तीसरी राशि। मिथुन राशि में बुध के इस गोचर का क्या कुछ रहने वाला है। मिथुन राशि वाले, जैसा कि आप जानते हैं, बुध आपके राशि के स्वामी हैं एवं आपके राशि से चौथे भाव के भी स्वामी हैं। अब
चूंकि वृषभ राशि में बुध का गोचर होगा तो बुध का ये गोचर आपके राशि से बारहवें भाव, जिसे वै भाव भी कहा जाता है, उस भाव में चूंकि वो गोचर करेंगे तो बुध के इस गोचर के परिणाम स्वरूप हो सकता है आपके खर्चों में अधिकता बढ़ा दे, अत्यधिक भाग दौड़ आपको करना पड़ जाए। लेकिन कोई यात्रा का योग भी बनता हुआ दिख रहा है या कोई यात्रा से लाभ मिलने के संकेत भी दिख सकते हैं, खास करके यदि आप विदेश यात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं, विदेश से जुड़ा कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। एक बात याद रखें, गोचर बुध का ये आपके द्वादश में होने के बावजूद यदि आप विवेकपूर्ण तरीके से अपने फैसले को लेते हैं तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आप आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बात का और ध्यान रखना कि इस अवधि काल में बुध के इस गोचर में आपको किसी भी प्रकार के लेन देन से बचने का प्रयास करना चाहिए सावधानी पूर्वक, क्योंकि कोई नुकसान होने के संकेत भी दिख रहे हैं। हो सकता है आपने किसी को पैसा दे दिया और पैसा ना ले पाए, ना मिल पाए, दिया हुआ उधार आपको वापस ना मिल पाए, या किसी से पैसे लेने गए कोई विवाद में ना फंस जाए, आपने पहले पैसे दे रखे हैं तो कोई विवाद में ना फंस जाए, इस बात का भी आपको सतर्क रहना है, सावधान रहे। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहे, शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, हो सकता है स्वास्थ्य में आपको अतिरिक्त खर्चा हो जाए, विशेष करके स्किन से संबंधित प्रॉब्लम, चर्म रोग या इससे संबंधित कोई समस्या आपको उत्पन्न हो सकता है। एक बात का ध्यान रखना है, बेवजह का अर्थात कि अनावश्यक क्रोध से आप बचें, आक्रामक स्वभाव यदि आपका है तो उसे बदलने की कोशिश करें। नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्यस्थल पर हो सकता है कुछ विरोध का सामना करना पड़ जाए और इसके परिणाम स्वरूप आप मानसिक रूप से तनावग्रस्त भी हो सकते हैं। करें क्या? ओम गण गणपते नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, इन मंत्रों का जाप प्रतिदिन 21 बार आप कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि, काल पुरुष की चौथी राशि, जिसके राशि के स्वामी तो चंद्रमा बनते हैं, बहुत ही सौम्य ग्रह होता है, दिल में कोई 6-5 नहीं होता है कर्क राशि वाले जातकों का, बहुत इमोशनल किस्म के इंसान होते हैं। लेकिन कर्क राशि वाले बुध आपके राशि से यदि देखें तो 12वें भाव एवं 3रे भाव के स्वामी हैं, जबकि बुध आपके 11th भाव लाभ भाव में गोचर करेंगे, इसके प्रभाव स्वरूप आप कोई नया कार्य आरंभ कर सकते हैं या फिर नौकरी में परिवर्तन करना हो तो उस दृष्टि से यह समय आपके लिए अनुकूल है। कहा जा सकता है कि यह समय आपके इच्छा के पूर्ति के लिए रहने वाला है, आप कोई भी इच्छा यदि करते हैं तो आपको प्राप्त हो सकता है, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी पैसा लोगों के मन में यदि कोई प्रमोशन की इच्छा है या प्रयास कर रहे हैं या स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं मन पसंद, तो आप प्रयास करें, हो सकता है लाभ मिल जाए, आपके वेतन में भी लाभ वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं, परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग आपको मिलता हुआ दिख रहा है, खास करके बड़े भाई का सहयोग भी आपको मिल सकता है। विद्यार्थी वर्गों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में यदि आप बैठते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है, हो सकता है अंक आपके सोचे हुए परिणाम के हिसाब के बराबर ही आए, अर्थात कि परीक्षा में आप पास हो जाए। प्रेम संबंध, प्रेमी जोड़े, लव लाइफ की यदि बात करें तो आपके रिश्तों में एक अलग प्रकार का मधुरता का एहसास होगा, एक दूसरे के आप और भी करीब होंगे। यदि आप लोग विवाह के प्रणय सूत्र में बंधना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है,
घर वालों से आप अपने रिश्तों की बात कर सकते हैं। आपके द्वारा लिया गया निर्णय या किए गए कार्यों की इस अवधि काल में सराहना होने के संकेत दिखते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कर्क राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही उपयुक्त जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं सिंह राशि, जिसके राशि के स्वामी स्वयं भगवान भुवन भास्कर आदित्यनाथ नारायण सूर्यदेव हैं, जिसके निकल जाने मात्र से अंधकार पे प्रकाश फैल जाता है और सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। एक नए विश्वास, एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ दिन में फिर से कार्य के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे भगवान भुवन भास्कर की राशि सिंह राशि, सिंह राशि वाले बुध आपके एकादश एवं द्वितीय भाव के स्वामी हैं एवं आपके राशि से दशम भाव अर्थात की कर्म भाव में गोचर करते हुए बुध आपके कार्य व्यापार में उन्नति तो देंगे ही, साथ ही नौकरी में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने के संकेत दिखाई देते हैं। विदेशी कंपनियों में कोई सर्विस या नागरिकता लेने का प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास आपको सफल करवा देगा, क्योंकि यह गोचर बुध का आपके लिए अत्यंत ही उपयुक्त नजर आता है। सरकारी नौकरी का भी प्रयास कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी भी मिल सकता है, सरकार से सहयोग मिल सकता है, कोई सरकारी योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। कोई पॉलिटिशियन है, कोई राजनीतिज्ञ है, मंत्री पद भी दिलवा सकता है नेताजी, बस जनता को मत भूल जाना, अच्छे ही काम करते रहना। एक बात आपको ध्यान रखना है कि माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सतर्क रहे, क्योंकि माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी नरमी आ सकती है, तो इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी ऐसा ना हो। इसलिए स्वास्थ्य में विशेष रूप से कुछ भी यदि नरमी आती है तो अपने चिकित्सकों का सलाह अवश्य ले। मकान वाहन नई प्रॉपर्टी भूमि इन सभी का सुख आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन लाभ के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे और आर्थिक पक्ष आपको मजबूत होगा। सामाजिक पद प्रतिष्ठा एवं मान सम्मान में भी वृद्धि होने के संकेत दिख रहे। परिवार में हो सकता है कोई नए सदस्य का आगमन हो, धर्म एवं अध्यात्म के प्रति भी आपकी रुचि बढ़ जाए। अब चलिए बात करते हैं अगली राशि काल पुरुष की छठी राशि कन्या राशि, द्वि स्वभाव राशि है, जिसके फलस्वरूप ऐसे जातक कई बार डबल माइंडेड होते हैं, क्या करूं क्या ना करूं, बहुत उधेर बुन में लगे रहते हैं, अपने ही सोचे हुए निर्णय में कई बार पहुंच नहीं पाते हैं कन्या राशि के जातक। और कन्या राशि के तो स्वामी स्वयं बुध हैं, तो कन्या राशि वाले आपके राशि के स्वामी बुध एवं आपके राशि से दशम भाव कर्म भाव कैरियर वाले भाव के भी स्वामी बुधदेव बनते हैं एवं बुध आपके राशि से नवम भाव जिसे भाग्य का भाव बोला जाता है, भाग्य भाव में बुध का ये गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। हर कार्य में भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध के इस प्रभाव से आप अपनी ऊर्जा शक्ति के साथ अपनी किसी भी प्रकार की योजनाओं को गोपनीय तरीके से अर्थात सबको बताना नहीं है, यदि अंजाम देते हैं तो आप सफल अवश्य होंगे। बस अति सर्वत्र वर्जित इस बात का आपको ध्यान रखना है, अधिक आत्मविश्वास नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। नौकरी प्राप्त करने वाले जातकों के लिए भी यह समय बहुत बेहतरीन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप नौकरी के लिए बैठना चाहते हैं, कोई नई जॉब की तलाश करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कोई सरकारी टेंडर भी यदि लेना चाहते हैं, कोई सरकारी विभाग से किसी तरह का लाभ उठाना चाहते हैं या आप सरकारी नौकरी में हैं तो भी बुध का ये गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। अच्छा, एक और बात, आप में से कई विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, यूएस यूके कनाडा जर्मनी जापान रसिया
वैसे रशिया में तो अभी खैर युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन का, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि विदेश यदि आप जाना चाहते हैं, अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो प्रयास कर दें, आवेदन कर दें, वीजा मिल जाएगा, सफलता मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में आपको एक बात का याद रखना है कि उच्च अधिकारियों के साथ अपने संबंधों में यदि मधुरता बनाएंगे तो आपके वेतन में भी वृद्धि होने के संकेत दिख रहे हैं। इसलिए बॉस से कभी कभी ना चाहते हुए भी हाँ जी बॉस बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है, काम निकल गया ना। चलिए संतान प्राप्ति की बात करें तो निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से कोई खुशखबरी भी मिल सकता है। वहीं प्रेम संबंधों के मामले में प्रगाढ़ता आएगी, प्रेम संबंध काफी मजबूत होंगे, एक दूसरे के करीब आते हुए महसूस करेंगे। प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो कर दें, रिश्तों की बात चलाएं, अपने माता पिता से रोका नहीं है किसी ने, हरी झंडी मिल जाएगी, है ना। श्री गणेश आय कर दें, बोलो श्री गणेश भगवान की जय। चलिए किसी के साथ बात करते हैं। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि जिसके राशि के स्वामी स्वयं शुक्र बनते हैं और शुक्र की ही दूसरी राशि वृषभ राशि में अब बुध का गोचर हो रहा है, तो तुला राशि वाले बुध आपके राशि से नवम एवं द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। इस बात को याद रखना है कि बुध आपके कुंडली में नवम भाव और द्वादश भाव के स्वामी है, लेकिन बुध आपके राशि से अष्टम भाव, आयु भाव, गुप्त भाव इसमें गोचर करेंगे। बुध का अष्टम भाव में गोचर करना कई अप्रत्याशित परिणामों का सामना भी आपको करवा सकता है। क्यों? क्योंकि वह गुप्त भाव है। अकस्मात होने वाला कोई कार्य सफल या विफलता दोनों करवा सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जरूरत ना हो तो किसी से भी आपको किसी भी कारणवश बहस में नहीं पड़ना है, इस बात का ध्यान रखें। यदि आप बहस में पड़ेंगे तो आप कोई बेवजह बिन बुलाए संकट मोल ले सकते हैं, वही वाली बात हो जाएगी, आ बैल मुझे मार। तो इन चीजों से परहेज करना है। किसी पैतृक संपत्ति को लेकर आपके घर में किसी बड़ों के साथ विवाद होने की संभावना भी दिखती है। स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, स्वास्थ्य में खास करके चर्म रोग आपको हो सकता है। लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र भी कर सकते हैं, षड्यंत्र कोई साजिश का शिकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यात्राओं में भी फिजूल खर्ची हो सकती है, यात्राओं का योग भी चूंकि बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस अवधि काल में धर्म कर्म के मामले में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, जो कि बुध के अशुभ प्रभाव को कम करने में आपको लाभ देगा। एक बात और, यदि कोई कोर्ट केस कचहरी का मुकदमा चल रहा है या वहां पहुंच गया बात, अब क्या करें भाई, तो अब कोशिश करें यदि बाहर ही कुछ ले दे के बात बन जाए तो निपटा दें, क्योंकि कोर्ट में यदि अभी गए तो लंबी बात चल सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में अभी आपको अपने मन मुताबिक परिणाम लाने के लिए अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है, लेकिन क्या सब कुछ बुरा होगा? जी नहीं, अभी भी मैंने बताया कि अप्रत्याशित अचानक से कोई धन लाभ भी करवा सकता है, अचानक कोई योग भी बना सकता है, कई ऐसे अच्छे अवसर भी आपको धन प्राप्ति के मिल सकते हैं, खास करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट मीडिया लेखन कला प्रकाशन के क्षेत्र से यदि कोई जुड़े हुए हैं तो बुध का ये गोचर आपको लाभ दिलवाएगा। अब आइए बात करते हैं काल पुरुष की अगली राशि, आठवीं राशि वृश्चिक राशि, जिसके राशि के स्वामी मंगल बनते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि वाले बुध आपके राशि से एकादश भाव अर्थात कि लाभ का भाव, इनकम का भाव, प्रमोशन के भाव के स्वामी बनते हैं एवं अष्टम भाव वही गुप्त भाव के स्वामी बनते हैं। और बुध का जो अब आज से
राशि परिवर्तन हुआ है, गोचर हुआ है, ये आपके राशि से सप्तम भाव, दाम्पत्य वाले भाव, साझेदारी वाले भाव, पार्टनरशिप वाले भाव में बुध गोचर करेंगे। व्यापार के दृष्टिकोण से आपके स्थिति में बेहतर सुधार लाने के संकेत दिखा रहे हैं। लेकिन आप यदि कोई पार्टनरशिप का कार्य करते हैं पहले से, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है। आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है सब पे। सारे खाते आप ध्यान रखा करें। हो सकता है आप दोनों के बीच में मतभेद भी हो सकता है कोई धोखा भी आपको मिल जाए, तो इस बात का ध्यान रखना है। कोई नया पार्टनरशिप का काम नहीं करना है, जो पहले से कर रहे हैं उसके लिए तो मैंने बता दिया। हाँ, यदि आप अकेले में कोई कार्य करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो कर दें। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, है ना। श्री गणेश भगवान का नाम लेकर आप कर सकते हैं। एक बात का आपको याद करना है, यदि कोई सरकारी कार्य से जुड़े हुए हैं या सरकार से जुड़ा कोई लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो बुध का ये गोचर आपके लिए भी बहुत लाभदायक रहने वाला है। वही एक बात बोले, शादीशुदा जीवन की बात करें तो आपसी कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप सिंगल हैं तो किसी से मुलाकात हो सकती है, नैनाचार हो सकता है, नजदीकियां बढ़ सकती है, और नैना जब चार होगा तो हो सकता है बाद मुझसे प्यार होगा, ऐसा भी हो सकता है। वैसे कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली राशि, धनु राशि वाले, 9 नंबर की राशि धनु राशि, जिसके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। अब धनु राशि वाले बुध आपके सप्तम एवं दसम भाव के स्वामी हैं, एवं आपके राशि से शत्रु भाव अर्थात कि छठे भाव, रोग ऋण शत्रु वाले भाव में बुध का ये गोचर आपके लिए मिश्रित प्रभाव देने वाला है। अति सर्वत्र वर्जयेत के साथ साथ यहां दूसरा चीज होगा, शीघ्रम सर्वत्र वर्जयेत अर्थात जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। जल्दबाजी में लिया गया हुआ निर्णय आपको बड़े नुकसान की ओर धकेल सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। छात्रों को विशेष रूप से यदि कोई पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो इस गोचर काल में समस्या छात्रों को भी पढ़ाई में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा चिंता बनी रह सकती है। आप अभी इस अवधि काल में किसी को धन उधार भी ना दें, अधिक लेन देन से बचने का प्रयास करें। यदि इस अवधि काल में किसी को आप धन उधार देते हैं तो आर्थिक हानि होने का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। हो सकता है धन आपने दिया और धन आपको वापस ना मिले, गई भैंस पानी में। तो इसलिए क्या जरूरी है अभी कुछ 68 दिन तक उधार किसी को ना दे। और यदि यही कार्य है आपका या बहुत जरूरी है तो बहुत सोच विचार कर आपको धन देने का प्रयास करना चाहिए। वैसे एक बात बता दें, यदि आप कोई विदेशी कंपनी में खास करके सर्विस एवं नागरिकता के लिए आप कोई प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आपको मिल सकता है। वैसे ऐसा नहीं है कि हमेशा नुकसान ही मिलेगा, कार्य व्यापार में कई अच्छे मौके भी आपको मिल सकते हैं। यदि आप नई नौकरी के तलाश में हैं, कोई जॉब के लिए तलाश में हैं, काफी समय से बेरोजगार हैं, तो हो सकता है कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिले, कुछ अच्छे अवसर आपको मिले। हो सकता है नौकरी के लिए प्राप्त करने के लिए किया हुआ प्रयास आपको सफल करवा दे, कोई अच्छी नौकरी आपको मिल जाए, तो अच्छे योग भी बनते हैं। दाम्पत्य जीवन में आपको एक बात याद रखना है, यदि चाहते हैं कि दोनों पति पत्नी के बीच में रिश्तों में खटास ना हो तो बोलते समय शब्दों का उचित चयन करें, अन्यथा आपको मतभेद का सामना करना पड़ सकता है, जिसके वजह से हो सकता है पति का मुंह इष्ट तो पत्नी का मुंह वेष्ट, अर्थात कि दोनों की दूरियां ऐसी हो जाए कि एक बेड पे सोने के बाद भी दोनों मुंह फुला के एक दूसरे से विपरीत दिशा में सो जाए। तो इन बातों का ध्यान रखना है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा न खोए। चलिए अगली राशि मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वाले यदि बात करें, आपके राशि से छठे एवं नवम भाव के स्वामी बनते हैं, एवं बुध आपके राशि से पंचम भाव विद्या भाव में गोचर करते हुए बुध विद्यार्थियों के लिए यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है।
कोई आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी छात्र कोई इंटरव्यू देना चाहता है, तो आप थोड़ा सा भी पढ़ाई करेंगे। अब यह ऐसा नहीं कि पंडित जी ने बोल दिया पढ़ाई थोड़ा सा करेंगे तो थोड़ा ही करना, कहने का तात्पर्य यह है कि कम मेहनत में भी अधिक नंबर ला सकते हैं, परीक्षा में सफल हो सकते हैं, संतोषजनक परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। पिछले किए हुए किसी भी योजनाओं को यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई लाभ लेना चाहते हैं, कोई नई प्लानिंग करना चाहते हैं, पिछला किया हुआ कोई कार्य है उसको अंजाम देना चाहते हैं, तो बढ़ जाएं, काम कर सकते हैं, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। व्यापारी वर्गों को धन लाभ के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं, कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई नया एग्रीमेंट आपको प्राप्त हो सकता है, संतान के दायित्व की भी पूर्ति होगी और नव दंपति को जो नए न्यू मैरिडियल कपल हैं उसको भी संतान प्राप्ति के अच्छे योग नजर आते हैं। निसंतान दंपति को भी किए हुए प्रयासों से संतान सुख की प्राप्त होने के संकेत या आसार बन रहे हैं। एक बात और बोल दें, यदि आप प्रेम किसी से करते हैं और आपस में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो भी ये गोचर आपके लिए अनुकूल है। बस एक बात याद रखना है कि आपस में ये प्रेम स्पेशल प्रेमी जोड़े वालों के लिए है, आपस में अनावश्यक किसी बात को तूल ना दे, तिल का ताड़ ना बनाए, नहीं तो फिर आपसी मतभेद का सामना आपको करना पड़ जाएगा। एक बात और, परिवार में वरिष्ठ सदस्यों खास करके बड़े भाइयों या मित्रों इन सब का भी सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है इस अवधि काल में। एक बात आपको और ध्यान रखना है, इस अवधि काल में एक बात और आपको ध्यान रखना है, मेडिटेशन का सहारा ले, ध्यान का सहारा ले, योग का सहारा ले। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई भी चिंता है आपको तो स्वास्थ्य में लाभ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले बुध आपकी राशि से पंचम एवं अष्टम भाव के स्वामी है एवं बुध आपके राशि से चतुर्थ भाव सुख भाव में गोचर करते हुए आपको मिश्रित प्रभाव दे सकते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा, तो रहना है आपको सावधान। वैसे एक बात बता दें, व्यापारी वर्गों को यदि लाभ प्राप्त करना है तो अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। अब वो समय गया कि कम मेहनत कर दिए लाभ मिल गया अधिक मुनाफा कमा लिए, नहीं, अच्छा मेहनत करना होगा। कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, नौकरी पेशा वाले जातकों को भी कार्य क्षेत्र में कुछ खासा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। थोड़ा कुछ समय यदि मुसीबत वाला भी है तो थोड़ा अपनी जुबान को कंट्रोल दें, कई बार अपमान का घूंट भी पीना पड़ता है, तो ऐसे समय में यदि कोई समझौता आपको करना पड़ जाए कि चलो ठीक है, चुपचाप अपने काम पे ध्यान दिए और पतली गली से निकल गए, किसी से बेवजह के वाद विवाद में हमें नहीं पड़ना, इस बात का ध्यान रखना है। वैसे जमीन जायदाद से जुड़ा कोई मामला है तो निपटारा हो सकता है। मकान वाहन आप यदि कोई खरीद बिक्री करना चाह रहे हैं तो उस दृष्टि से बुध का ये गोचर आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। बस वही है कि विवादित जमीन ना ले, विवादित मामलों से दूर रखना है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामले भी यदि आप बाहर ही सुलझा लेते हैं तो यह आपके लिए समझदारी का परिचय होगा, बाहरी सुलझा लें, कोर्ट में ना जाएं। अच्छा एक बात, मित्रों के माध्यम से कुछ कार्य बन सकते हैं एवं मित्रों की तरफ से या सगे संबंधियों की तरफ से कोई सुखद समाचार भी प्राप्त हो सकता है। अच्छा एक और बात, शादीशुदा लोगों को ससुराल पक्ष से कोई लाभ मिलने के संकेत दिख रहे हैं। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको अत्यंत ध्यान देने की आवश्यकता है और कोई यात्रा आप यदि करते हैं तो यात्रा सावधानी पूर्वक करें, कोई सामान चोरी ना हो जाए इस बात का ध्यान रखना है, कोई सामान खो ना जाए, आप भूल ना जाए इस बात का आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से आपको सावधानी बरतना है, ठीक है ना। हर बुधवार को गणेश जी को दूब का भोग लगाया करें। चलिए अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि वाले। मीन राशि वाले बुध आपकी राशि से चतुर्थ एवं सप्तम भाव के स्वामी हैं एवं बुध आपके राशि से तृतीय भाव प्राकर्म भाव में गोचर करेंगे।
और बुध का ये गोचर आपको तेजस्वी ओजस्वी बना देगा, आपसे लोग काफी प्रभावित होने वाले हैं, आप किसी मंच में बोलेंगे लोग आपको सुनेंगे, आप कहीं सभा में जाएंगे लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आप समाज में किसी से मिलेंगे लोग आपके प्रति काफी ज्यादा विचारों से सम्मोहित हो जाएंगे। तो बुध का ये गोचर आपके साहस मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राकर्म इन सब में वृद्धि कराने का योग बना रहा है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने साहस एवं पराक्रम के बल पे आप आसानी से अपने कार्य को संपूर्ण कर सकते हैं। आपके द्वारा लिया गया निर्णय और गत किए गए प्रयास की सराहना चारों ओर होगी। कोई लंबी अवधि के लिए यदि आप निवेश करना चाह रहे हैं तो कर दें, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और धन लाभ भी भविष्य में भी जरूर होगा और अभी भी धन लाभ के अच्छे अवसर दिख रहे हैं। वहीं शादीशुदा लोगों की बात करें तो एक दूसरे के और करीब और करीब और करीब अच्छे पल बिताने के अच्छे मौके मिलने वाले हैं। हो सकता है कोई टूरिस्ट पैलेस में आप लोग घूमने के लिए जाएं, एक साथ कुछ मधुर पल बिताएं, या फिर कोई धर्म कर्म के यात्रा के प्रति भी रुझान आपका बढ़ सकता है। सामाजिक संस्थानों में भी आप या सामाजिक कोई कार्यों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं, दान पुण्य भी कर सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेवारी का बेहतरीन तरीके से निभाने वाले हैं इस अवधि काल में, और माता पिता के साथ भी आप यदि अपने संबंधों को मधुर बनाना चाहते हैं तो बुध का ये गोचर आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आपके किए हुए प्रयासों से आपको लाभ मिलने के संकेत दिखते हैं। कुल मिलाकर बुध का ये गोचर आपके लिए भी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम, कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। यदि आप कोई चैनल को सहयोग करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर कोई भी गूगल पे फोन पे पेटीएम के माध्यम से चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है तो रात में इसी चैनल पे कुंडली दर्शन लाइव के नाम से 10 बजे कार्यक्रम आता है, आप कार्यक्रम लाइव में भी पूछ सकते हैं। यूट्यूब में देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक में देख रहे हैं तो इस पेज को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, इसी नंबर से टेलीग्राम ग्रुप भी है कुंडली दर्शन के नाम से आप जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।